वेलकम टू अपना बॉयज हॉस्टल ब्लॉग गाइस। तो ये है हमारे कॉलेज का गेट नंबर 2 जहाँ पे हम शाम को चाय पीने आते हैं। गेट नंबर 2 के अंदर जाते ही हमें हमारे हॉस्टल की बिल्डिंग दिखती है। यह है हमारे हॉस्टल की पार्किंग और उसके आगे हॉस्टल का ग्राउंड। यह है हमारे हॉस्टल की रीडिंग रूम और कॉलेज में एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसकी बिल्डिंग अलग से है। और यह है हमारे हॉस्टल की जिम। Hello guys, we are on the 6th floor of Apna Boys Hostel and now we are going to have a room tour of room number 22, zone of procrastination. Let's have a room tour. हमारा roommate अभी पढ़ रहा है। अरे मैं रूम क्या चल रहा है? Anime पढ़ रहा हूँ। चल अमर, हमें अपने रूम के बारे में कुछ बता। मेरे रूम के बारे में, यहाँ पे हर रूम में दो दो अलमारी दिए हुए हैं जो कि इनबिल्ट है अंदर वाले वही पे। तो सारे रूम में ऐसे यहाँ पे हमने सरस्वती माता की फोटो लगाए हुए है और यहाँ पे हनुमान जी की फोटोज लगाए हुए है जो कि हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हमने बुक्स वगैरह रखे हुए है ऊपर, जो यूज नहीं करते वो ज्यादातर बुक्स रखे हुए है। यहाँ पे डेली यूज करते वो सामान भी रखा हुआ है, तेल वगैरह, वो शैम्पू। और ये अगर इस तरफ आए तो यहाँ पे हमने एप्रॉन लगाया हुआ है जो कि हम सुबह सुबह पोस्टिंग के लिए यूज करते हैं। सुबह 9 से 12 तक पोस्टिंग होती है हमें, तो वहाँ पे यूज करते हैं। ये जो आर्टवर्क है वो अच्छे लग रहे हैं मुझे पता है, जो कि रूम को मेन अट्रैक्शन बना, रूम के मेन अट्रैक्शन जो कि मेरे रूम में युवराज ने बनाए हुए। ये काफी अच्छे पेंटिंग्स वगैरह बनाता है और स्केचिंग्स भी बनाता है और काफी लोगों को ये पसंद आती है। ये जो पेंटिंग निकाली है वो युवराज ने निकाली है, जैसे कि मैंने बोला रूममेट है वो अपने पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा सा बताने वाला है। क्या सोच के तूने ये पेंटिंग्स निकाली है? कुछ नहीं, मैं जब पढ़ाई से बोर होता हूँ तो मैं ये पेंटिंग बनाता हूँ। अच्छा, तो हॉबी है क्या तेरे? अच्छे, तो ऐसे आर्टिस्ट लोग भी है हमारे जीएमसी में, काफी अच्छे आर्टिस्ट है। ये जो है फोटोग्राफी भी अच्छे निकाल लेता है। हमने लाइटिंग वगैरह जो हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे थोड़ा सा शो के लिए, यहाँ पे लीव्स वगैरह लगाए हुए आर्टिफिशियल, और यहाँ पे लाइट शुरू कर दे। यहाँ पे हमने पौधे वगैरह लगा के, वो जब लाए थे तब काफी छोटे थे, अभी पानी देके अभी बड़ा कर दिया है। और यहाँ पे फूल वगैरह आते, अच्छा लगता है थोड़ा सा हवा के जो पेड़ के साथ वो जुड़ते भी हैं उससे, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा माहौल बनाया हुआ रहता है। और आगे आप ये व्यू भी देख सकते कि काफी अच्छा व्यू है यहाँ पे, काफी अच्छा व्यू आता है यहाँ पे, और जब सनसेट होता है तब तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू है, इसकी वजह से थोड़ा सा आवाज आता रहता है। और आपको एक चीज दिखाने रह गई,
यहाँ पे मैंने विष्णु जी की फोटो लगाई हुई है और नीचे सारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मेमोरीज लगाई हुई है। ये हमारी कबड्डी की टीम है, उसकी जो ट्रॉफी मिली थी वो है, वो फोटो है, लाइक बेस्ट मेमोरीज ऑफ 2021 एंड 2022 और 2023। और यहाँ पे हमारा बुक शेल्फ है जो कि हमने काफी बुक्स रखे हुए हैं यहाँ पे। इसके पीछे जो बुक्स है वो मेरे रूममेट युवराज के, अभी जो आपने देखा। और यहाँ के इससे आगे जो बुक्स है, ये स्पीड ऑफ टाइम वगैरह, द टाइम मशीन वगैरह, ये अच्छी, काफी अच्छी बुक है, लाइक फिक्शनल होता अच्छी है। और जैसे बुक्स है वो मेरे है क्योंकि मैं ज़्यादा स्पेस में इंटरेस्टेड हूँ, जैसे तो कभी कभार पढ़ लेता हूँ। ये हमारा गोकर्णा का फोटो है जो कि हमने लास्ट ईयर में ये ट्रिप की थी। और यहाँ पे हमारे कुरुक्षेत्र जो फेस्ट होता है हमारे कॉलेज में, तो उसका बेस्ट डिफेंडर का किताब मिला था मुझे। और ये हमारे टीम को रनर अप्स की ट्रॉफी मिली थी, तो उसका दो ट्रॉफीज है। यहाँ पे युवराज की ये यहाँ पे ट्रॉफीज है, तो जो निबंध स्पर्धा है उसमें मिली थी शायद। और हाँ, यहाँ पे रूम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब लग रहा है क्योंकि हमने अभी रेनोवेट नहीं किया, लाइक लेटर भेजना पड़ता है BWD को और उसके बाद वो रेनोवेट करते हैं। पर अभी जब हम लेटर भेज देंगे तो कलरिंग वगैरह वो कर देंगे। और काफ़ी अलग जो दूसरे रूम है उसमें कलरिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, और हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। उस तरफ के रूम में भी चले गए तो उसके रूम में भी आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा दोस्त युद्धवीर यमगिर है और ये परभनी से है, और ये थोड़ा सा हमें रूम अलॉटमेंट के बारे में बताने वाला है। हेलो गाइस, हम अभी सेकंड ईयर में है और सेकंड ईयर में तीन लोग एक रूम में रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ तीन, हाँ, तीन बेड। और हम जैसे ही थर्ड ईयर में जाएंगे दो लोग एक रूम में रहते हैं, और जैसे हम फाइनल ईयर में जाते हैं एक जन एक रूम में रहता है। ये रूम हमारे फाइनल ईयर के सर की है। तो ये भी काफी सही रूम है, ये इनका रूम है, तो ये थोड़ा सा बताएंगे तेरे उसके रूम के बारे में। ये हमारा रूम है, इसमें पेंटिंग भी बहुत अच्छी है और ये बुक रखने के लिए एक अच्छा व्यवस्था है। और यह एक अलमारी है जो कुछ चलाई हुई है, और यहाँ का बाहर का व्यू भी अच्छा है, यहाँ का, हाँ, यहाँ से ठंडी ठंडी अच्छा हवा भी चलती है, यहाँ से उल्टी साइड का व्यू है ना ये। ये हमारा वॉशरूम है। युद्धवीर, ये गीजर चलता है क्या? हाँ चलता है। चलता है, अच्छा है, तो गर्म पानी से नहाते हैं हम सब लोग। यहाँ पे ये बाथरूम से हमारे, और ये वॉशिंग मशीन से जो कि हमने ऐसे ली है कंट्रीज में, और जो मेंबर्स है वो यूज करते हैं। अरे स्पर्श, अरे तेरे जिम के बारे में बताना थोड़ा सा, फीस वगैरह कैसे होती है, कहाँ पे जाता है? मैं इधर कॉर्पोरेट जिम है, इधर एक 1500 उसकी एनुअल फी है, तो उधर जाता हूँ मैं। और जिम तो बढ़िया है, बाकी कुछ नहीं, स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है, और बस सारे इक्विपमेंट्स है, सब है, सब इक्विपमेंट, कार्डियो सेक्शन नहीं है। हाँ बस उतना, तो काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है वगैरह। 1500 एनुअली मतलब कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जिम के एक महीने के उतने चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो अभी बाहर जा रहा है क्या? हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। ओके ओके, चल बाय ब्रो। हमारे अपना बॉयज हॉस्टल से नाइट व्यू है जो कि काफी अच्छा दिखता है, पूरी मुंबई यहाँ से बहुत सुंदर दिखती है, अच्छी दिखती है। तो